राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है विशाल अगमनसिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BR जद्दी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और आज उनकी लाइफ लेसन जो हमको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करनी चाहिए वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरी देखिए, आपकी उनके लाइफ लेसन नो लाइफ लेसन जो आपको बताऊंगा वो आपको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करनी चाहिए और ये बहुत सारी रिसर्च के द्वारा मैंने निकाले हैं। और अगर आपने हमारी तीन वीडियोस और नहीं बनाई, हमने इस सीरीज में तीन वीडियोस और बनाई हैं लर्निंग ऑफ लेजेंड्स में जैक मा के ऊपर, बिल गेट्स के ऊपर, शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर, उनके लाइफ लेसन जो हमको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, वैसे आप सभी जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप आज USA के प्रेसिडेंट हैं और उनकी नेटवर्थ है $3.7 बिलियन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली लर्निंग है इनका, क्रिएट योर ऑन लक, अपना अपनी किस्मत खुद लगो। मीन्स वो दे जस्ट वॉन्ट टू से दैट वर्क, मतलब द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। आप जितने ज़्यादा मेहनत करोगे उतने लकी होते जाओगे। आपको अपना लक क्रिएट करना है और दूसरा कोई भी आपका लक नहीं करेगा, और ना कि लक के भरोसे बैठो। दे आप उतने ही लकी होगे अगर आप लक के भरोसे बैठे हो, तो आप मेहनत ज़्यादा करो तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली यू आर बिकमिंग लकी। तो दे जस्ट वॉन्ट टू से दैट द सेकेंड लर्निंग, डोंट डू इट फॉर मनी। मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, सिर्फ आपका मनी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका मनी सेकेंडरी मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट मनी मोटिवेशन है तो अभी नहीं तो आप आगे फ्यूचर में जाके क्विट कर दोगे। तो मतलब प्राइमरी मोटिवेशन आपका पैसन होना चाहिए। आप जो भी आप करना चाहे, आप जुनून किसके लिए है तो वो आप करो। और सेकेंडरी मोटिवेशन आपका मनी होना चाहिए। ऑटोमेटिकली इफ यू आर पैशनेट अबाउट वन समथिंग देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट मनी फ्रॉम दैट। तो आपको मनी प्राइमरी मोटिवेशन नहीं बनाना, मतलब आप बना भी सकते हो पर जब बना सकते हो जब आपके पास स्टार्टिंग में कोई मोटिवेशन ना हो। तो चलिए थर्ड लर्निंग है, गो अगेंस्ट द टाइड। मतलब विपरीत परिस्थितियों में जाओ। मतलब कोई अभी जैसे कि लॉकडाउन में अभी सब अपनी मनी, मतलब जितनी भी इन्वेस्ट मनी करिए वो निकाल रहे हैं और सब मनी सेव कर रहे हैं। पर अभी जो आपने सेव मनी की है, अभी वो आप इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में उसके बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे ही ये लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अभी बहुत से 90% 95% बंदे अपना रुपए बचाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करने से डरेंगे। तो अभी आप ये विपरीत जाओगे ना तो आप आगे बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत ज़्यादा रिटर्न ले पाओगे हैं। और जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे उतनी ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे आपको। तो ठीक है, तो ये थी इसका एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि भीड़ के साथ जाओगे ना तो भीड़ पता नहीं कि सही रास्ते पे जा रही पर सारे जा रहे हैं, तो उस भीड़ का पार्ट मत बनो, अपना रास्ता खुद बनाओ। और फोर्थ है चेंज योर माइंडसेट, अपना माइंडसेट चेंज करो। अगर आपका माइंडसेट है कि आपको 10,000 रुपये कमाने हैं तो चेंज योर माइंडसेट टू 1,00,000, मतलब आपको 1,00,000 रुपये महीने कमाने हैं। और आपका 1,00,000 है तो आप 10,00,000 का बनाओ। मीन्स अपने आप को प्रोग्रेस करते रहो, अपने आप की अपनी माइंडसेट को चेंज करते रहो, चैलेंज लो अपनी ज़िंदगी में, रिस्क लो। तो यही है कि चेंज योर माइंडसेट टू बी अ मिलियनर। फिफ्थ है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डाउनसाइड। मीन्स बहुत से अपनी डाउनसाइड को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको आपको कवर करके रखना है और उनको स्ट्रेंथ में कवर कन्वर्ट करना है। तो ये आप देख लो, आपकी पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं। आपने अगर वीकनेसेस फाइंड कर ली फिर उन पर आप वर्क कर सकते हो और उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड। इफ यू विल प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड देन योर स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस विल ऑल्सो बिकम स्ट्रेंथ। सो दिस थिंग यू मस्ट फोकस। तो अब हमारी आती है सिक्स्थ लर्निंग, दैट बी एबल टू हैंडल प्रेशर। बी एबल टू हैंडल प्रेशर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट ही वॉन्ट टू कन्वे दैट हैंडल द प्रेशर। मीन्स 90 to 95% पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर एंड सो दे बिकम एंग्री एंड दे डू क्रेजी थिंग्स। मतलब जो अपने गुस्से पर कन्वर्ट नहीं कर पाए कि जिंदगी पे क्या कर क्या
कंट्रोल कर पाएगा, तो ये आपको डिसाइड करना है। मीन्स यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर एंगर, आपको अपने गुस्से पे कन्वर्ट, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपको अपने प्रेशर, जो भी आपको प्रेशर आ रहा है, आपको उसको हैंडल करोगे। अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते कर जाओगे, तो आप जो भी आप डिसीजन लेना उस सिचुएशन में, आप आराम से वो डिसीजन ले लोगे। तो इसके बाद आता है नेवर सेटल, मींस नेवर सेटल। अगर आप आज सेटल हो गए, इसकी आप कुछ भी करो तो आपको सेटल नहीं होना, आपको और अच्छा बेटर बनना है। जैसे कि आपने सोचा कि मुझको 1,00,000, मतलब आप एक एग्जांपल लेते हैं, और आपने सोचा कि कल मुझे 7 बजे उठना है, तो 7 बजे की आप फिर परसों ट्राई करो कि मुझे 6 बजे उठना है। तो आप ऐसे ट्राई करते जाओ कि मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। और आपने 4 घंटे पढ़ाई करी है, तो आप ट्राई करो कि अब अगली बार आप 4.5 घंटे करो पढ़ाई, 5 घंटे करो पढ़ाई। मीन्स आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है अपनी जो भी कर रहे हो, आपको सेटल नहीं होना है। अगर आप सेटल हो जाओगे तो आप एक लेवल हो जाओगे, एवरेज बंदे हो जाओगे। आपको और अपने आप से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है, और ज़्यादा करने के लिए। और 8th है जस्ट कीप गोइंग, मतलब जो भी है, चाहे चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, रिस्क, मतलब आप रिस्क भी ले रहे हो, तो मतलब आपको जाते जाना है। आपको एक जगह पहले तो सेटल नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, मीन्स जो भी आपका अगर बुरा वक्त है, आज है, तो आगे चल के वो आपका वक्त भी बदलेगा, आगे चल के वक्त भी बदलेगा। तो डोंट वेट। अगर आप प्रॉब्लम में हो और आप क्वाइट कर देते हो, तो आप हमेशा ही प्रॉब्लम में रहोगे। और अगर आप प्रॉब्लम में हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। तो और 9th लर्निंग है लिव हेल्दी। आप ये सब किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो। एंड हेल्थ इज वेल्थ। तो आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है, तो आपको अपनी हेल्थ को बहुत तगड़े तरीके से जीना है, और आपको हेल्दी रहना है, और वेल्दी खाना खाना है, और सब कुछ बढ़िया मज़े में रहना है। आई जस्ट वॉन्ट टू से, आपकी ज़िंदगी है, आपको जीनी है, आपको डिसाइड करना है। आपने इतनी सारी आप किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए। और आपकी हेल्थ ही नहीं सही नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे वो आप इतनी सारे रुपयों की? आप सही बताओ, मतलब आप करोगे क्या फिर इतना सारा पैसा? आपने कमा तो लिया, अगर आप हेल्दी नहीं होगे तो। आप हेल्दी रहो, और जितना भी आप जो भी कर रहे हो, सब अपने आप अपने लिए कर रहे हो। तो लिव हेल्दी, लिव वेल्दी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।